नमस्कार, आपका स्वागत है राजनामा टीवी पे। मैं पूनम आपके साथ। झारखंड विधानसभा के अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो के बयान पर भाजपा ने विरोध दर्ज किया है, जिसमें रविंद्रनाथ महतो ने कहा था कि राजभवन भाजपा के इशारे पर काम कर रहा है। इस बयान के खिलाफ एक लिखित शिकायत राज्यपाल के पास की गई है। झारखंड विधानसभा अध्यक्ष के द्वारा राजभवन पर किए गए असंवैधानिक टिप्पणी के खिलाफ महामहिम राज्यपाल को ज्ञापन सौंपा है। इसके साथ ही उनके बयानों की अखबार की कटिंग भी भेजी है। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष ने इसके खिलाफ राज्यपाल से कार्रवाई की मांग की है। इस लिखित शिकायत में कहा गया है कि राज्य के विधानसभा अध्यक्ष माननीय मुख्यमंत्री तथा सरकार में संवैधानिक पद पर बैठे लोगों के द्वारा लगातार असंसदीय और असंवैधानिक वक्तव्य दिए जा रहे हैं। 26 जून 2023 झारखंड विधानसभा अध्यक्ष ने जिस प्रकार से झारखंड मुक्ति मोर्चा के मंच पर बैनर के नीचे झामुमो कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए सीधे राजभवन पर गंभीर आरोप लगाए, यह पूरी तरह उनके पद की गरिमा मर्यादाओं के खिलाफ है। कार्रवाई की मांग करते हुए पत्र में आगे लिखा है, राज्यसभा विधानसभा अध्यक्ष का पद दल और राजनीति से परे निष्पक्ष होता है, परंतु झारखंड के वर्तमान विधानसभा अध्यक्ष के द्वारा सारी मर्यादाओं का उल्लंघन किया जा रहा है। किसी भी विधायक पर सरकार से विधि सम्मत जानकारी प्राप्त करना, राज्य हित में विधि सम्मत निर्णय लेना, यह महामहिम का संवैधानिक दायित्व है। ऐसा कोई पहली बार नहीं बल्कि पहले भी कई विधायकों के साथ हुआ है, परंतु एक संवैधानिक कार्रवाई को दलीय चश्मे से देखना और उसे दुष्प्रचारित करना पूरी तरह संवैधानिक मर्यादाओं का उल्लंघन है। इसी के साथ बने रहे राजनामा टीवी के साथ। धन्यवाद।